Hazrat, Hazrat. Amirul al Mu'mineen, may Allah helper, granted Lajna Imaila Bangladesh's national Amla, a virtual mulakat, on Saturday. Beloved Hazur presided over the meeting from his office in Islamabad Tilford, while the Amla members joined from the Darut Tabligh Mosque complex in Dhaka, which serves as the national headquarters for the country's Ahmadi Muslims. Early in the meeting, Hazur outlined How be a department to strive towards success? लजना की तरबियत इस तरह करें कि लजना को आदत डालें कि एक तो वो बाकायदा उनका हयादार लिबास हो वो पर्दा करती हों और बाहर शे घर से बाहर निकलें तो लिबास ऐसा ना हो कि जो गलत किस्म के मर्दों की नज़रें पड़ें उस पर और कभी पर्दा करके बाहर निकला करें एमडी लड़की को एमडी औरत का एक फ़र्क होना चाहिए दूसरों से इस बात का ख्याल रखा करें और आदत डालें कि हर लजना मेंबर जो है वो रोज़ाना पांच वक्त नमाजें पढ़ने वाली हो यह कोशिश करें कि हर लजना मेंबर जो है वो कुरान करीम की रोज़ाना तलावत करने वाली हो ठीक है और यह भी कोशिश करें कि आपकी जो नौजवान लड़कियां हैं उनको अपने एम में ही रिश्ता करने की तरफ़ तोजो ज़्यादा हो बजाय इसके बाहर रिश्ते करें और जो नौजवान लड़कियाँ काम करती हैं या जो औरतें काम करती हैं उनको ये आदत डालें कि वो अपना लिबास जो है अपने काम की जगह पर ऐसा पहने जो हयादार लिबास हो और पर्दे में रहकर किया करें इसी तरह इस तरबियत के सेमिनार भी किया करें नौजवानों को बुलाया करें और सेमिनार करके उनको समझाया करें कि अल्लाह और रसूल के क्या हुक्म है और इसके मुताबिक अपनी तरबियत करें हजूर अनवर में उनके लिए तरबियत का प्रोग्राम ऐसे बनाएं जब नासरत की अगर तरबियत अच्छी तरह कर दें ना उनको नमाजें पढ़ने की आदत पड़ जाए उनको कुरने क्वीम पढ़ने की आदत पड़ जाए उनको दुआएँ करने की आदत पड़ जाए उनको ख़ुतबा सुनने की जो मेरा एम टी ए पर खुतबा आता है उसको सुनने की आदत पड़ जाए तो वही नासरात लजना में जा फिर ज़्यादा अच्छा काम करेंगी तो नासरात का बुनियादी काम है अगर नासरात की आप ट्रेनिंग कर देंगी तो इन शाला लजना भी बड़ी अच्छी हो जाएगी इसलिए कोशिश करें कि नासरात की ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरबियत कर सकें अगला सवाल सेक्रेटरी मनोमुबाइन शर्मीन शीखा साहिबा का है आप बेहद मसरूफ़ रहते हैं क्या आपके हफ्तावार छुट्टी का कोई इंतज़ाम है और आप अपने दोस्तों और अहलो अयाल के लिए किस तरह वक्त निकालते हैं बस इसी तरह गुजारते हैं इस वक्त मैं हफ्ता भर छुट्टी में आ रहा हूँ आपके साथ मीटिंग करके ये मेरी हफ्ता भर छुट्टी है अच्छा जजाक और जी हजूर पहले जब आप अफ्रीका तशरीफ ले गए तब के हालात अभी जैसे नहीं थे उस वक्त आपको काम करते वक्त काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा हुजूर मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप हमें उस वक्त का कोई तजुर्बा बताएं। बात यह है कि अगर अल्लाह ताला पे तो मुश्किल का सामना तो करना पड़ता है और बड़े मुश्किल हालात थे उस वक्त तो अब तो बड़े हालात अच्छे हैं तो यही था कि हमने काम करना है और जिस काम के लिए आए हैं उस मकसद को पूरा करना है मुश्किल तो काम रस्ते में सामने आती हैं मुश्किल रोक नहीं बननी चाहिए दिन के काम में इसलिए हमारी उस वक्त भी कोशिश यही होती थी मेरी भी और मेरी बीवी की भी कि हमारी जो काम है वो चलते रहें और कोई रोकना में बने और औरतों को भी खामदों को साथ देना चाहिए ऐसे हालात में मुश्किल हालात में और खामदों को भी ख्याल रखना चाहिए औरतों का और जो दीनी काम है वो चलते रहने चाहिए बाकी अल्लाह ताला के तवक्कुल करते जब आप काम करते हैं तो चाहे मुश्किल भी हालात हों अल्लाह ताला उनके हल का कोई ना कोई ज़रिया निकाल देता है और इसी तरह दुआ जो है वो काम करने के साथ साथ दुआ भी करते रहना चाहिए तो अल्लाह ताला उसमें बरकत भी डाल देता है बस यही था कि मेहनत करो और दुआ करो अल्लाह ताला हल कर देता है घबराना नहीं किसी बात घबराना नहीं चाहिए किसी बात से जी जजाक लोर जी आ, अग अगला सवाल शादी के मामले में दीन को तरजीह देने की बात की गई है मगर आजकल लोग खूबसूरती और दूसरी खसूसिया को ज्यादा तरजीह देते हैं जिस वजह से जमात की काफ़ी नेक दीनी लड़कियों की शादी नहीं हो रही ऐसे हालात में हम आपकी रहनुमाई के मुंतजर हैं देखें जी हमने तो कोशिश करनी है और मैं कोशिश करता रहता हूँ लड़कों को समझाता भी रहता हूँ यही फरमाया है कि तुम लोग जो किसी से शादी करते हो तो कुछ खसूसियात की बिना पर करते हो या उसका ख़ानदान देखते हो या उसकी शक्ल देखते हो या उसकी दौलत देखते हो लेकिन एक मोमेंट जो है उसको हमेशा औरत का दीन देखना चाहिए अब मसला ये है कि अगर लड़कों में दीन नहीं होगा तो वो लड़कियों का दीन किस तरह देखेंगे तो ये तो जमात की जो जमाती नज़ाम है और ख़ुदामदिया है उनको भी मैं कहता हूँ कि लड़कों में दीनदारी पैदा करो जब लड़कों में दीनदारी पैदा होगी तो फिर वो यकीन ऐसे लड़कियों से शादी करने की कोशिश करेंगे जो दीनदार हों तो ये तरबियत का मामला है और इस तरफ मैं जमात को भी तोज्ह दिलाता रहता हूँ ख़ुदामदिया को भी तोजो दिलाता रहता हूँ अनसार को भी तोज्जो दिलाता रहता हूँ लेकिन लजना का एक काम यही है कि कोशिश करें वो ख़ुद भी जो लजना महबरात हैं जो बड़ी उम्र की हैं माएँ हैं वो भी अपने बच्चों और लड़कों को तरबियत करें उनको तोज् दिलाएँ कि तुमने नेक और दीनदार लड़की से शादी करनी है अगर माएँ अपना किरदार अदा करेंगी तो यकीन उनके लड़के भी दीनदार लड़कियों से शादी करेंगे मसला ये है कि जब लड़के लड़के की शादी का मामला आता है तो माएँ कहती हैं कि हम हमारा बचा है जो है हम अपनी मर्ज़ी से इसकी शादी करेंगे और जब लड़कियों की उम्र गुज़र रही होती है और लड़कियों के रिश्ते नहीं मिलते जब बड़ी होती हैं तो फिर माएँगे और बाप कहते हैं कि इनकी जमात शादी करवा दे हालांकि दोनों को जमात के स्पुरद करना चाहिए और कहना चाहिए कि दीनदार लड़के और दीनदार लड़कियां आपस में मिलकर शादी करें ताकि जमात के अंदर ही लड़के और लड़कियां रहें और आइंदा भी नेक और दीनदार नस्ल भी पैदा होती रहे तो ये तो कोशिश है मुशतरका कोशिश है मर्दों की भी औरतों की भी ये मिल करनी चाहिए इसमें माओं को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए और बापों को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए इसके लिए मैं कोशिश भी करता हूँ मैं तोजह भी दिलाता हूँ दुआ भी करता हूँ अल्लाह ताला इसकी तौफीक दे सबको जी आ, आ, हुजूर जी सदर साहिबा कह रही हैं कि आप सारे बांग्लादेश की नासरात के लिए कोई एक पैगाम दे जो मैं इस मीटिंग के बाद सबको को पहुँचा दूँ वो पैगाम सबको सब मेरा मेरा असल वरम बरकत पे पहुँचा दें और साथ ये भी कह दें कि अपने ईमान पर कायम रहना मुश्किल हालात आते हैं परेशानियाँ आती हैं तकलीफ़ें आती हैं उसको कभी अपने दीन पे हावी होने ना देना और हमेशा अल्लाह हर मुश्किल और हर तकलीफ़ के वक्त अल्लाह ताला के आगे झुकना और किसी इंसान से किसी किस्म की उम्मीद न रखना और अपनी और अपने बच्चों की और अपनी नस्ल की तरबियत के लिए अहद करो कि हमने उन्हें नेक और साले बनाना है और सही मोमिन बनाना है और अगर ये दुआ करेंगी और अपने बच्चों के लिए कोशिश करेंगी तो जाहिर है ख़ुद भी इसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी इसलिए अपनी असलाह की तरफ भी बहुत ज़्यादा तोज् दें ताकि आइंदा नेक नस्लें पैदा होती रहें और हमेशा याद रखें अगर हमारी औरतों की असलाह हो जाए और हमारी औरतें नेक हो जाएँ हमारी औरतें जो तकवा है उसके मयारों को हासिल करने लगें तो हमारी नस्लें इन शाला महफूज हो जाएंगी फिर हमें कोई फिक्र नहीं होगी यही काम है लजना मा का और यही मेरा पैगाम है सब लजनामाल को और सब नासरात को जिन्होंने आइंदा भी मायम बनना है इन त Achha, alaykum, Wa alaykum, the following day, a second mulakah took place, this time with missionaries in Germany. Beloved Hazur, may Allah be his helper, emphasized the importance of spending an hour each day on tahajjud if the Hajjud prayers. तो दुआओं के बगैर नहीं बना जा सकता और दुआओं के लिए सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला त्रब पाने के लिए नफल हैं फ़राइज तो अदा करते ही हैं आप नहीं अदा करेंगे तो फिर तो एक बुनियादी जो एक मुसलमान की कैटेगरी है उसमें भी नहीं आते हैं। लेकिन वो फ़राइज अदा करने के बाद जो नवाफिल हैं वो असल चीज़ें हैं जो आप लोगों को अल्लाह तला भी दिलाएँगे और खिदमत के मौके भी ज़्यादा मयसर आएँगे और बरकत भी पड़ेगी और खलीफा वक्त की सुल्तान नसीर बनने की भी तोफ़ी मिलेगी इसलिए हर मब्बी का फ़र्ज़ है कि कम अज़ कम आजकल तो वैसे भी एक घंटा कोई ऐसा मसला नहीं है पढ़ना आजकल तो दो घंटे भी पढ़ी जा सकती थीजद लेकिन कम अज़ अच्छा कम आम हालात में भी एक घंटा तो हजद पढ़नी चाहिए हर एक को सुबह से कोई मजबूरी हो कोई बीमार है कोई बूढ़ा हो गया उसकी तो और बात है ना बाकी तो इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है इस तरह से खास तोज़ो दें जिक्र जिक्रलाई की तरफ भी ज़्यादा तोजो होनी चाहिए बजाय इसके कि ये सोचते रहें कि आज हमने फ़लां स्टोर में जाना है फलां जगह फला अच्छी चीज़ आई हुई है या फला मैंने दुनियावी काम करना है या फलां जगह बैठ के मजलिश जमी हुई है वहाँ बैठना है इसके बजाय अपना वक्त ज़ाया करने के बजाय अपनी रूहानियत को बढ़ाने की तरफ़ तोजो दें और ये बढ़ेगी तभी आप इनकलाब ला सकते हैं निरे तराने पढ़ने से और नारे लगाने से कभी दुनिया में इनकलाब नहीं आया करते और ना आपके काम में बरकत पड़ सकती है इसलिए पहली बात तो ये है कि अपनी रूहानी हालत को बेहतर बनाएं और आप लोग मान हैं अपनी जमात के अफराद के लिए नमूना बनने के लिए को, को, की कोशिश करें और एक रोल मॉडल हों हर एक आपको देख के कह सके कि हाँ वाकई मुरबी साहब का ताल्लुक़ बिल्ला भी है और तोजो भी है और हमदर्दी खलक़ भी है और अफराद जमात से प्यार और मोहब्बत का सलूक भी है ये चीज़ें पैदा करेंगे तो तभी आप लोगों को कामयाबियाँ मिलेंगी तरबियत कर लें अपने लोगों की तो आपको ऐसे ऐसे काम करने वाले मिल जाएंगे जमात में जो आपके मददगार होंगे मुआवन होंगे और फिर आपके काम में आसानियाँ पैदा होंगी आपने शुरू में नमाज तजिद का ज़िक्र किया था कि इन में तो इंसान आसानी से उठ जाता है लेकिन मुश्किल इसको सारा साल यानी ख़ास तौर पर जर्मनी में रहते गर्मियों में, में इसको मुश्किल तौर पर और रोज़ाना घंटा डेढ़ अदा करना उसके लिए बेहतरीन ज़रिया क्या है और अपनी नमाज ये, तो, ये, तो, ये तो ये तो ये तो डिपेंड करता है कि कितने अल्लाह ताला से आपका तल्लुक है कितनी अल्लाह से मोहब्बत है हैं बाकी कामों के लिए वक्त निकाल लेते हैं ना अगर अगर जर्मनी में रहते हुए रात को ग्यारह बजे दस बजे सूर्ज ईशा की नमाज होती है साढ़े दस बजे होती है और सुबह ढाई बजे पौने तीन बजे या तीन बजे तीन बजे तो यहाँ बल्कि यूके में उससे जल्दी शहरी हो जाती है वहाँ फिर एक घंटा लेट होती है शहरी आधा पौना घंटे का फ़र्क होता है तो अब दो घंटे सोएं डेढ़ घंटा सोएं उठ के नमाज़ पढ़ें फिर उसके बाद नमाज फजर के बाद फिर सो जाएं एक दो घंटे ये तो ये तो अपना प्रोग्राम खुद बनाना पड़ता है अगर दिल में तड़प हो किसी काम के करने की तो सब रास्ते निकल जाते हैं हैं आपके इम्तिहान हो रहे होते थे जब जामिया ने पढ़ने का शौक़ होता था तो उठ के पुटते थे ना रात को ठीक है या कोई फ़िक्र पैदा हो ही हो तो बढ़ते हैं ना ये तो ये ये तो सोच की बात है अगर आप सोच को इस तरह ढाल लेंगे कि मैंने ये करना है काम तो अल्लाह ताला मदद करता है तो क्या है? लोग तो घंटा डेढ़ घंटा सोते हैं रात को उसके बाद उठ के तो पढ़ लेते हैं फिर सुबह नमाज के फजर के पास हो गया जो बाकी वक्त हुआ ठीक है ठीक है ये तो ये तो निकालना पड़ता है वक्त उसके बाद दिन भी तो आपको मिल जाता है ना सारा दिन दोपहर को एक घंटा सोलिया करें नींद पूरी करने के लिए ये तो कोई ऐसा मसला नहीं है नौज अब जवानी में जवानी में इबादत होती ही जो होती है तो आप जो नौजवान लोग हैं आप लोगों का ही वक्त है कि यही वक्त है इसको से फ़ायदा उठा लें हैं और जितना इबादत का हक अदा कर सकते हैं करने की कोशिश करें दर जवानी तोबा करदन शेबा पैगम्बरी वक्त पीरी गुरगे ालम एशत परहेजगार सवाल था कि जो नौजवान हैं जो आइंदा नस्ल है आ, देखने में आ रहा है कि चूँकि वो अक्सर वक्त बाहर रहते हैं इस बाहर के माशरे में रहते हैं तो उसका ज़ेर असर उसके ज़ेर असर ज़्यादा होते हैं कोशिश की जाती है कि मुख्तु तरीक़ों से मुख्तु प्रोग्रामों से उनके इंटरेस्ट के मुताबिक स्पोर्ट्स के मुताबिक जो है या जिस तरह से भी उनको जो है वो करीब लाया जाए लेकिन चूँकि जो वक्त उनका इस माशरे में गुज़रता है वो ज़्यादा होता है और उसके वो ज़ेर असर ज़्यादा आते हैं तो बज़ दफ़ा ऐसा एहसास एसा होता है कि हम उन तक पहुँच नहीं पा रहे या ये बात उन पर ज़रा असर नहीं कर रही तो ठीक है नौजवान रविणान जो हैं इनका काम है ना आप लोग यहीं पले हैं यहीं बड़े हैं यहीं आपने ग्रेजुएशन की है या जो भी तलीम हासिल की है जो सेकेंडरी स्कूल की तलीम की है या वो क्या कहते हैं आप टूर किया या जो भी किया तो आप लोगों को इस माहौल का पता है आप भी यहाँ रहते हैं तो उसके मुताबिक देखें कि हम किस तरह इन लोगों की तरबियत कर सकते हैं और इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तियाँ बनाएँ इसलिए जैली तनजीमें भी हैं जैली तंजीमों का भी काम है कि अपने लड़कों को अपने साथ इन्वॉल्व करें और आप लोगों का काम है कि उनकी मदद करें मान कर नौजवान मुरान जितने हैं इस तरह करेंगे तो इन श्ल्ला ठीक हो जाएगा ये तो कोशिश है ठीक है माहौल ये माहौल ही तो चैलेंज है हमारे लिए इस माहौल में ही हमने उनके हालात के मुताबिक कोशिश करनी है कोई नई चीज़ तो नहीं कोई नया कोई फार्मूला तो नहीं ऐसा बन जाएगा कि आप उसको अप्लाई करेंगे और सारे लोगों की असलाह हो जाएगी वली वलीवला बन जाएंगे कोई नहीं बनेगा हैं ना एक दिल में आ, आप लोग सारे को अपने सारे टारगेट अचीव कर सकते हैं ये तो एक मुसलसल कोशिश है ताकि उनको ये एहसास जमात के अफराद से ताल्लुक़ पैदा रहे और उनको ये एहसास होता रहे कि हाँ हमारी एक और ज़िम्मेदारी भी है कि जो हमने अहद किया हुआ है दीन को दुनिया में मुकदम रखने का उसको भी हमने पूरा करना है ये एहसास ऐसा ऐसा दिलाते रहें जितना ज़्यादा रबता होगा आपकी तंजीमों का अफराद जमात से या मंबरान जो हैं जैली तंजीमों के उनसे ख़ुदाम से लजना से इंसार से उतना ज़्यादा असर होगा जितना मरबीन अपने आप को ज़्यादा वक्त देंगे उनसे ताल्लुक़ रखने का उतना ज़्यादा असर होगा ये तो एक मुसलसल कोशिश है और ये जारी रखनी है ठीक है इन इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट फार्मूला नहीं बनाया जा सकता हर एक के हालात के मुताबिक हर एक की शख्स की नफसियात के मुताबिक ये फैसले करने होंगे ठीक है जी। 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 और यही ट्रस्ट किया गया आप नौजवान मुर अबीन पर कि आप लोग वहाँ के पढ़े लिखे जो हैं वो ज़्यादा बेहतर तौर पर यह तरबियत काम कर सकते हैं अगर आपकी अपनी तरबियत सही हो जाएगी और जैसा कि मैंने शुरू में कह दिया ताल्लुक़ बिल्ला पैदा हो जाएगा तो फिर आप देखेंगे आप लोग इनकलाब लाने वाले ही बन जाएंगे इन शाल और मुझे उम्मीद है इन शौजवान अबियान अगर एक अज़म से उठेंगे तो एक इनकलाब पैदा हो सकता है क्योंकि आप लोग यहाँ के माहौल में पढ़े बड़े हैं पहले तो होता ना कोई पाकिस्तान से आया कोई बाहर से बाबीन आए उनको सही तरह पता नहीं था ज़ुबान की पूरी गिरफ़्त नहीं थी आपको तो ज़ुबान पर पूरी तरह ग्रेस्प है कम्प्रिहशन है।, है और इसको आप अच्छी तरह अदा कर सकते हैं यहाँ के माहौल में रहे हुए हैं माहौल का भी पता है तो इसी तरह आप लोग नए नए रास्ते एक्सप्लोर करें खुद कि किस तरह हमने इनकी तरबीय करनी है किस तरह अटैच करना है किस तरह नई नस्ल को जाया होने से है, ठीक है बाद दूसरी कौमें जो जमात में शामिल हुई हैं वो जमात के इल्म कलाम से बहुत मुतासर होती हैं लेकिन जो जमाती निज़ाम है या माली कुर्बानी है उसमें वो इस तरह से इंटीग्रेट नहीं हो पाते और बाज़ मुश्किल मुकामी जमात की तरफ से भी हमें पेश आती है कि उस तरह से उनके साथ रबता नहीं रखते तो इस सिलसिले में हजूर क्या ना ये है कि जमाती निज़ाम को भी उनके लिए इतना मुश्किल ना करें इसी लिए राबे ने शुरू में यही कहा था उससे पहले भी खलफ़ा यही कहते रहे कि जो नए आने वाले हैं और मैं भी यही कहता हूँ इसी बात को कि जो नए आने वाले नौाइन हैं वो आते हैं जब आपके पास शामिल होते हैं आपसे तो उनको तीन साल के अरसे में उनको पहले समझाएं सिस्टम क्या है ना कि उनको इस तरह उनसे सलूक करें कि वो कोई वली है या की औलाद में से हैं या पैदाइश की पैदाइशी आहमति वो पैदाइशी आहदी तो बल्कि कम जानते हैं वो जो नए आने वाले हैं वो दीनी लम्बी आपसे ज़्यादा जानते हैं अक्सर मैंने देखा है जो सही तरह सोच समझ के शामिल होता है ना जमात में वो नमाज़ों की तरफ भी तोज्जो देने वाला ज़्यादा होता है वो वार करने वाला भी होता है वो तोजद पढ़ने वाला भी होता है और हज़ की किताबों को समझने की कोशिश भी करने वाला होता है तो बहरहाल हमारा ये काम नहीं कि जो भी शामिल होता है उसको पहले पहले दिन से उसको करें इसीलिए ना उनके ऊपर चंदे का निज़ाम लागू किया जाता है तीन साल के लिए तीन साल का एक अरसा होता है ट्रेनिंग का कि उनकी उसमें तरबियत हो जाए उनको बताएँ कि ये निज़ाम है और जमात का लेकिन तुम अभी नए हो तुम इसको पहले ग़ौर से देखो समझो लेकिन फिर भी अल्लाह ताला तू कि माली कुर्बानी की तरफ मसलन माली कुर्बानी है माली कुरबानी की तरफ तो जो दिलाई है तो तुम दी तारीख दीदी का चंदा जो है इसमें जितना तुम्हारी हैसियत है तुम दे सकते हो चाहे साल का एक ये योरध हो ताकि तुम्हें एहसास पैदा हो कि तुम जमत से तुम्हारी कोई अटैचमेंट है इसी तरह नमाजों के बारे में उनको बताएँ कि नमाज सीखो अब जो एक मुस, गैर मुसलमों से मुसलमान होता है अहमदी होता है अहमदी मुसलमान उसको सूर फातह सिखानी शुरू करें उसको जब सूर फातह आ जाए याद हो जाए जब नमाज़ उसने पढ़नी है नमाज के फ़राइज बताएं ना कि देखो अल्लाह ताला ने नमाज़ फ़र्ज़ की है पहली चीज़ तो बुनियादी चीज़ नमाज है ना हैं जी तो नमाज जब फर्ज़ की है तो उसमें अल्लाह तरमाया कि ने फरमाया कि सूर फातह पढ़नी ज़रूरी है नमाज के जो बुनियादी चीज़ तो है सूर फातह है ठीक है तो सूर फातह के बग़ैर नमाज नहीं होती इसलिए उसको पहले सूर फातह याद कराएँ फिर उसको कहें शायद तुम तर्जमा याद करो या उससे कहते हैं तुम तर्जमा याद कर लो तुम्हें पता हो कि जब इमाम सूर फातह पढ़ रहा है तो तुम साथ साथ तुम्हें दिल में तुम्हें पता होता रहे कि इमाम क्या पढ़ रहा है जो बिलजहर नमाजें हैं उसमें ठीक है जी। फिर उसको ख़ुद शौक़ पैदा हो कि सूर फातह याद कर ले यहाँ कई मुसलम अंग्रेज़ हुए हैं मैंने देखा है उनको बड़ा शौक़ से उन्होंने याद किया या मेरे से जो भी मिलते हैं कोई भी किसी भी मुल्क के उनको जब मैं कहता हूँ तो याद करते हैं और बड़े अच्छी तरह अलग अलग उसे याद कर लेते हैं और समझते भी हैं तो फिर तीन साल का अर्सा उनको एक ट्रेनिंग देने का अर्सा है जब वो ट्रेनिंग हो जाएगी उनकी तीन साल में तो फिर उनको जमात के सिस्टम में इंटीग्रेट होना मुश्किल नहीं लगेगा लग रहा है आप पहले दिन से उनसे तो रखेंगे कि वो वली बन जाएँ तो वो नहीं हो सकता फिर आप लोगों का कसूर है तीन साल का अर्सा रखा ही इसलिए गया है ना उनसे चंदा लेना है ना उनको ज़्यादा ज़ोर देना है उनको सिर्फ तरबियत करनी है कि जमात का निज़ाम क्या है और ना उनको हार्शली तरबियत करनी बल्कि प्यार से मोहब्बत से समझाना है कि नमाज क्या चीज़ है नमाज क्यों फ़र्ज़ है नमाज पढ़ो तुम तो एक नमाज़ पढ़ोगे दो पढ़ोगे तीन पढ़ोगे चार पढ़ोगे जो पक्का ममिन उस है उसमें पाँच नमाज़ें फ़र्ज़ हैं और उसकी वजूहत क्या है उसकी हमत क्या है नमाज की जब पढ़ते हैं इम कलामाम से मुतासर होते हैं तो इल्म कलाम से जो मुतासर होते हैं उनको फिर नमाज की हमत समझाएं ना अगर उसमें इतनी अकल है अगर उसमें इतनी अकल है कि उसको इल्म कलामाम की बातें पता लग गई फलसफा पता लग गया गहराई पता लग गई तो फिर उसको ये कहना कि नमाज़ नहीं पढ़ोगे तो झरन में चले जाओगे ये नहीं कहना उसको उसको ये कहें नमाज की हमत क्या है प्यार से पांच नमाजें क्यों फ़र्ज़ की गई हैं जब उसको हमत समझ आ जाएगी तो आपसे ज़्यादा नमाजें पढ़ने लग जाएगा मैंने तो यही देखा तजर्बा करके इसी तरह चंदा चंदे की हमत क्या है और अल्लाह ताली पे ईमान की हमत क्या है तो सिर्फ़ इम कलाम से मुतासर होना बात नहीं है उस इल्म कलाम को ही ले के आगे उसको समझाएँ जिस इम कलाम से वो मुतासर हुए हैं ना उसी कलाम को ज़रिया बनाएँ समझाई ये तो कोई इल कलाम नहीं ना इम कलाम कहाँ किसी भी कोई भी जहाँ भी अगर इल्म कलाम से मुतासर होते हैं कोई फलसफ़ा इस्लामी स्कूल की फलासफी का मसला ना लोग मुतासर होकर पढ़ते हैं अब इस्लामी स्कूल की फलासफ़ी से ही अल्लाह ताली के वजूद का पता लग जाता है इस्लामी असूल की फ़िलासफ़ी से ही इबादत की हकीकत पता लग जाती है इस्लामी असूल की फ़लासफ़ी से ही कुर्बानी का मैार पता लग जाता है इस्लामी असूल की फलासफ़ी से ही जन्नत नौज़ु का नज़रिया पता लग जाता है तो ये जब सारी चीज़ें आप उनके इल्म कलाम से ही उनको समझाएँगे तो उनको समझ आ जाएगी तो आप तो अपनी बात का एक जो बात मुझे कर रहे हैं उसका सबूत तो आपके पर, मतलब है कि उसकी दलील तो आपके पास खुद मौजूद है उसी दलील को इस्तेमाल करें समझ गए जी जी ज़कम्म चलें वक्त ख़त्म हो गया आप लोगों का अलमैक वरह वर्कू